नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम छुईमुई का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है इसको तो जानेंगे ही, और साथ ही साथ छुईमुई ऐसा कौन सा पौधा है या क्या है जो इसको छूने से मुरझा जाते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। चलें तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, यदि वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो भी प्राप्त होते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। चलें देखते हैं छुईमुई है क्या। तो देखें, साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट, ठीक है। इसको लाजवंती या शर्मीले पौधे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैसा कि इसका नाम है छुईमुई, तो छुईमुई का मतलब है कि इसको अगर कोई भी स्पर्श कर दे, जैसे कोई व्यक्ति अगर टच करता है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। ये अन्य चीज़ों से भी, जैसे बारिश से या और हवा तेज चले तो उससे भी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है पौधा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा छुईमुई। कैसे पड़ा? इसको छूने से मुरझा जाता है। अब ये पौधा छूने से क्यों मुरझा जाता है? तो देखें, जो इसकी पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां जो हैं, पत्तियों के निचली सतह पर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो जल की मात्रा रहती है तो वो स्फीति अवस्था में रहती हैं। मतलब जो जल है या द्रव है वो भरा रहता है, जिससे स्फीति अवस्था में रहती हैं या दबाव इसमें बढ़ा रहता है इन कोशिकाओं का, तो ये बिल्कुल स्फीति अवस्था में रहती हैं, जिससे पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो कैसी रहती हैं, एकदम टाइट बनी रहती हैं, स्फीति अवस्था में रहती हैं, तो ये पत्तियां खिली रहती हैं। लेकिन जैसे ही इसको कोई टच करता है तो टच करने पर इसका जो जल होता है वो चला जाता है, कहाँ, तने में चला जाता है, तने पर चला जाता है, तो इसकी कोशिकाएं शिथिल अवस्था में मतलब आ जाती हैं, जल की मात्रा कम हो जाती है, पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पौधे का हो जाती हैं, इनकी पौधे की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, पौधे की पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये छुईमुई का, इसलिए इस पौधे को छुईमुई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छूने से इस पौधे का क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो चलें पहले देखेंगे हम क्या इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है या बॉटनिकल नेम। तो देखें, ये रहा क्या वनस्पतिक नाम छुईमुई का, तो क्या है, मिमोसा प्यूडिका। क्या है? मिमोसा प्यूडिका। इसका क्या होता है, छुईमुई का वनस्पतिक नाम होता है। इसी को लाजवंती या शर्मीले पौधे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको छूने से क्या हो जाती हैं, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, इसलिए इसको शर्मीले या फिर लाजवंती के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है लाजवंती या फिर शर्मीले पौधे का वनस्पतिक नाम? तो मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका लाजवंती या शर्मीले पौधे का जो वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम होता है वो होता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जो क्या है, छुईमुई का पौधा है वो क्या है, झाड़ीदार होता है, मतलब झाड़ी के रूप में रहता है, ऊपर ऊपर नहीं जाता, झाड़ी बनाता है। अगला है, यदि इस पौधे को या पत्तियों को क्या करते हैं कोई व्यक्ति या को जो बारिश की बूंद है या अन्य हवा तेज चलती है तो छूने से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और मुरझा जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस पौधे की जो लंबाई होती है वो 15 से 50 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, और इसका जीवन काल एक वर्ष का, मतलब ये पौधा जो होता है एक वर्षीय होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमने क्या जाना, छुईमुई का जो वनस्पतिक नाम था या लाजवंती या शर्मीले पौधे का वनस्पतिक नाम था इसको जाना, समझ गए। तो आप लोगों ने अभी वीडियो में क्या छुईमुई का जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में है वो जाना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।